एल्यूमिनियम के बड़े उत्पादक रूस की तरफ से यूक्रेन पर हुए बड़े हमले के बाद एल्यूमिनियम की कीमतें गुरुवार को रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई हैं। ये इंडस्ट्रियल लाइटवेट धातु $3,382.5 प्रति टन पर पहुंच गई है, जो कि जुलाई 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के पिछले 3,380.15 के रिकॉर्ड हाई से भी ऊपर है। एल्यूमिनियम तमाम तरीके के कामों में इस्तेमाल होता है, जिसमें ड्रिकेन से लेकर हवाई जहाज के कलपुर्जे तक शामिल है। यूक्रेन पर रशियन अटैक के चलते एल्यूमिनियम प्राइसेस में पहले से ही बढ़त की उम्मीद थी। वहीं बाजार में कारोबारियों को इस बात का डर है कि पश्चिमी देशों और अमेरिका द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने से एल्यूमिनियम की कीमतों में सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों के कारण भारी बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि चीन में बेस मेटल की सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों के कारण एल्यूमिनियम की कीमतें पहले ही काफ़ी बढ़ गई थी। इस बीच अन्य कमोडिटी के चाल पर नज़र डालें तो रूस यूक्रेन युद्ध ने सोने और चांदी को चमका दिया है। सराफा बाजार में सोना 51,000 और चांदी 66,000 के पार कारोबार कर रहा है। सोने चांदी ने बुलियन मार्केट में रूस यूक्रेन क्राइसिस के डर से लंबी छलांग लगा दी है। 10 ग्राम सोने का भाव आज 1370 रुपये गिरकर 51,419 रुपये पर कारोबार करता नजर आया है। वहीं चांदी 66,501 रुपये किलो पर खुली है। वहीं दूसरी तरफ क्रूड का भाव $100 प्रति बैरल पहुंच गया है। 2014 के बाद पहली बार क्रूड का भाव इस लेवल पर पहुंचा है। क्रूड का भाव इतनी ऊंचाई पर पहुंचने का सीधा असर इंडिया पर पड़ता है। इससे कई कंपनियों के कई उत्पादन करना उनको महंगा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।